नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक जी। यहाँ पे ऐसे शुक्रवार 29 जुलाई, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर राजस्थान की बाड़मेर जिले से आ रही है। राजस्थान में बाड़मेर के भीमड़ा गांव में गुरुवार रात 9:10 पर वायुसेना का एक फाइटर जेट बायसन ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें आग लग गई और मलबा करीब आधे किलोमीटर के दायरे में बिखर गया। हादसे में विमान दो सवार पायलट शहीद हो गए हैं। घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं, जिसमें हादसे के बाद घटना स्थल पर विमान के मलबे में आग लगी हुई नजर आ रही हैं। बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े हैं, पास ही एक मोबाइल भी टूट कर गिरा हुआ है। विमान जहाँ गिरा है वह 15 फीट के दायरे में बड़ा गड्ढा हुआ है। बाड़मेर में सैन्य विमान हादसे का 9 साल में यह 8वां मामला है। हालांकि इधर वायुसेना ने दिया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। साथ ही जान गंवाने वाले के परिवारों को प्रति शोक संवेदना जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से हादसे को लेकर बातचीत की है। वही अगली बड़ी खबर, IPS पंकज चौधरी पर हाईकोर्ट ने लगाई 50,000 की पेनल्टी। ट्रांसफर केस CAT में पेंडिंग होने के बावजूद हाईकोर्ट में याचिका पर कोर्ट नाराज। राजस्थान हाईकोर्ट ने IPS पंकज चौधरी का ट्रांसफर से जुड़ा केस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर यानी CAT में पेंडिंग होने के बावजूद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए पंकज चौधरी पर 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। अगली बड़ी खबर, पायलट बोले वसुंधरा को चैन से नहीं रहने दिया। कहा युवा केवल दरी बिछाने नारे लगाने को नहीं है, आगे लाना होगा। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए अलग काम करने की सलाह दी है। पायलट ने कहा है कि राजस्थान में 1998 से सरकार रिपीट नहीं होने का सिलसिला चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारें रिपीट नहीं हो सकती। दिल्ली में शीला दीक्षित के समय 3 बार सरकार बनी, हरियाणा में हुड्डा ने 2 बार और तरुण गोगोई ने असम में 2 बार सरकार बनाई। मैंने पार्टी स्तर पर विस्तार से बात रखी है। हमारे पास अच्छा मौका है, अभी 15 महीने बसे हैं, उसमें हम कुछ ऐसा करें लोगों का विश्वास दोबारा जीता जा सके। इसके लिए जो कुछ करना है वो पार्टी के अंदर की बात है। इसके बारे में 1.5 साल पहले मैंने रूपरेखा बना कर रख दी है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं। पायलट गुरुवार को जयपुर में टॉर्क जर्नलिज्म सेमिनार में ये बात बोल रहे थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत ने कॉलेजों में लड़कियों के एडमिशन पर जताई खुशी। गहलोत बोले हमने 3 साल में खोले 210 कॉलेज। राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग में बढ़ते नामांकन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जाहिर की है। CM अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया है कि राजस्थान में 2018 तक सिर्फ 250 कॉलेज थे, जबकि पिछले 3 साल में हमने 210 नए कॉलेज शुरू किए हैं। अगली बड़ी खबर, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। रीट संपन्न होते ही तबादलों की तैयारी शुरू। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने झटका दिया, इस साल तबादले नहीं। तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया है। इस साल इस थर्ड ग्रेड के तबादले नहीं होंगे। पहले कहा जा रहा था कि तृतीय श्रेणी तबादले के जिले के अंदर ही होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि अन्य कैडर की तबादला सूचियां जारी हो सकती है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान ब्यूरोक्रेट्स बेड़े में शामिल हुए नए IAS रिया बुड़ानिया समेत 6 अधिकारियों को 1 सितंबर से मिलेगी फील्ड पोस्टिंग। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बेड़े में 6 नए अधिकारी शामिल हुए हैं। इन अधिकारियों को 1 सितंबर से राजस्थान में ट्रेनी के रूप में फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। अगली बड़ी खबर, कन्हैयालाल के हथियारों को 4 घंटे में पहुंचे सलाखों के पीछे। कर्नाटक में 48 घंटे बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर, CM गहलोत। कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की बर्बर हत्या की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की पुलिस ने कन्हैयालाल के हथियारों को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कर्नाटक पुलिस भाजपा नेता के हथियारों को 48 घंटे बाद भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाई। अगली बड़ी खबर, जयपुर और दौसा जिले के दुग्ध उत्पादों को बड़ी राहत, औसतन 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हुई दर से होगा भुगतान। जयपुर और दौसा जिले के दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हुई दर से दुग्ध उत्पादकों को भुगतान करने की घोषणा की है। पहले 750 रुपये प्रति किलोग्राम फैट की दर से भुगतान हो रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 800 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अब 17 साल की आयु पूरी कर चुके युवा भी जुटवा सकते हैं मतदाता सूची में नाम। ऐसे युवा जो 17 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वहीं अगली बड़ी खबर, प्रदेश में दैनिक संक्रमण 7 फीसदी बढ़ा, अब हर जिले से सामने आ रहे हैं संक्रमण के मामले। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। जयपुर और जोधपुर हॉटस्पॉट सेंटर बनने की ओर अग्रसर हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 27 दिनों में प्रदेश में 4000 से अधिक संक्रमण के केस मामले आए हैं, जबकि 11 मरीज की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, बहुमंजिला आवासों को स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट, सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य की गहलोत सरकार ने आमजन को राहत देते हुए जुड़ी घोषणा को नगरीय निकायों के निर्मित बहुमंजिला आवास पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट दी है। इसी तरह वरिष्ठ जनों को भी स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट दी है। पहले ये छूट केवल निजी क्षेत्र के बहुमंजिला आवासों पर लागू थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर है, मानसून के मेघ मेहरबान, आज इन जिलों में होगी बारिश। प्रदेश में जयपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। जल प्रलय के बाद जोधपुर में फिर से बारिश का दौर जारी है। जयपुर शहर में गुरुवार को भी स्कूल कॉलेज बंद रहे, जल निकासी के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। जोधपुर में अभी भी रेल पटरियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। वहीं बीकानेर में मकान ढहने से हादसा हो गया, मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। हाड़ौती जिले में मध्य प्रदेश की बारिश के असर के चलते बांध लबालब हैं। मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर बात कर लेते हैं, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गुरुवार को शेखावटी और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना साबित हुई। वहीं आज से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर शिफ्ट होगी, इसके कारण हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कक्षा 8 तक के छात्रों को मिलेगी फ्री ड्रेस, 70 लाख स्टूडेंट्स को होगा बड़ा फायदा। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा देगी, सिलवाने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के राजस्थान स्कूल शिक्षा अभियान के तहत सूबे में लगे जिला परियोजना समन्वयकों से शीघ्र रिकॉर्ड मांगा गया है। आदेश में कहा गया है कि जो भी छात्र छात्राएं 30 जुलाई तक नामांकन करते हैं उनकी सूचना 1 अगस्त तक भेजी जाए। ये आदेश प्रदेश के सभी पीओ और यूसीओ को अपडेट सूचना तुरंत भेजने के लिए दिए गए हैं। एक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म मिलेगी। राजस्थान सरकार प्रति विद्यार्थी पर अधिकतम 600 रुपए खर्च करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट। राजस्थान में एक बार फिर से मंत्रिमंडल की पुनर्गठन की चर्चाएं जोरों पर हैं। सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिलेगा। इसे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के पिछले साल दिए गए बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर है। पेट्रोल डीजल के दामों में राजस्थान में कोई भी राहत नहीं मिल रही है। कच्चे तेल के दाम घटने के बावजूद तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत नहीं दी। शुक्रवार को भी इनके दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108.48 और डीजल के दाम 93.72 रुपये प्रति लीटर हैं। तेल कंपनियों ने 6 जुलाई को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया है। पिछले साल सितंबर में 8.15 रुपये महंगा हुआ था पेट्रोल, पिछले साल 9.45 रुपये महंगा हुआ था डीजल। ये आपको दे दें कि नवंबर से पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों के चुनाव के बाद पिछले साल सितंबर के अंतिम दिनों पेट्रोल की जो कीमतें बढ़नी शुरू हुई वो दिवाली से पहले तक जारी रही। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।